गाइस वेलकम टू माय चैनल कीर्ति मल्होत्रा। और आप सब कैसे हैं? आपकी फैमिली फ्रेंड्स सब अच्छे होंगे एंड आपके दिन बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। एंड तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो आज की वीडियो मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, आप गैस करो एक बारी कि मैं आज की वीडियो आप लोगों के लिए क्या लेकर आई हूँ। एक्चुअली आज की वीडियो होने वाली है थोड़ा सा ना, मैंने सोचा था मतलब अब मैं हर चीज़ मतलब पहले मैं वीडियोस नहीं बनाती थी, बट आजकल मैं अब हर एक टाइप की वीडियोस बना रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मेरे पास हर एक टाइप का क्लॉथ होना चाहिए, कपड़े होने चाहिए, जैसे सूट्स भी हैं, ड्रेसेस भी हैं। तो मैंने सोचा मेरे पास साड़ी इंडियन स्टाइल में भी मुझे सब कुछ लेना चाहिए। तो मैंने साड़ी परचेज की है एंड थोड़ी मैंने सिंपल में ली है, मतलब गर्लिश लुक में भी एक ली है और एक मैंने आजकल ना सिल्क टाइप में चल रही है तो वो मुझे बहुत सही प्राइस में मिल गई तो मैंने परचेस कर ली। और एक साड़ी मेरी मम्मी की है जो मैंने मतलब निकाली है अपने उसमें से, तो मतलब मम्मी की पुरानी साड़ी थी एंड उन्होंने एक बार भी उसका ब्लाउज तक स्टिच नहीं कराया तो वो ऐसी की एज इट इज़ पड़ी थी। तो मैंने सोचा कि ये निकाल के एक बार ही मैं ट्राई करना चाहती हूँ, आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। वैसे तो मेरी मम्मी के पास बहुत सारी साड़ियाँ हैं बट वो पहनती नहीं है एंड हमारे पंजाबी में कम साड़ीज़ पहनते हैं, सूट ज़्यादा पहनते हैं तो इसलिए मेरी मम्मी पहनती नहीं है। बट मैंने सोचा कि अगर उनके पास हैं तो एक बार मुझे भी स्टाइल करना चाहिए। एंड यू नो मेरी मतलब वीडियो बहुत लोगों को पसंद आ रही है जो मैंने साड़ी स्टाइल में वीडियो बनाई थी, तो मैंने सोचा कि एक मतलब हॉल होना चाहिए साड़ी हॉल टाइप। तो तो एक साड़ी मैंने परचेस की है, सच बता रही हूँ, एक साड़ी परचेस की है न्यू एकदम एंड टू साड़ीज मेरी मम्मी की है। तो मैंने सोचा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, मतलब दिखाना चाहिए कि किस स्टाइल में है मेरे पास और कैसी है। शो ऑफ नहीं करना चाहिए, मैं वीडियो बना रही हूँ, आप लोग सब जानते ही हो, तो मैं ऐसा कोई शो ऑफ नहीं कर रही, जो है वो रियल वो रियल ही है। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाली साड़ी है, ये थोड़ा ना गर्लिश लुक में है और तो मैंने सोचा कि ये मंगा लेते हैं। देखिए ये तो ना अंदर का है, कैसे एक तो वीडियो में नहीं आता बट ना इसमें फॉल भी लगी हुई है, देखिए पूरा ना फॉल लगी हुई है। तो ये तो पुरानी साड़ी है मेरी मम्मी की जो पहले चलती थी, बट मैं सोचा कि आजकल मतलब लड़कियाँ मतलब गर्ल्स इस टाइप में पहन रही है, बहुत लाइट वेटेड जॉर्जेट में है ये थोड़ी सी, ठीक है पूरी तो ऐसी ही है, ठीक है। बट मुझे इसका एक लुक पसंद आया, ये जो इसका ये जो पैटर्न आई, हाँ जो ये पैटर्न है ये इधर जो आएगा इधर लुक में, कैमरा अगर करूँ मतलब ये जो इधर आएगा ये लुक जो आएगा मतलब मेरा पीछे का, मुझे इतना अच्छे से साड़ी नहीं बांधने आती बट मैंने ट्राई की थी एक बारी, तो ये जो मेरा पीछे का लुक आएगा ना ये वाला, ये जो पीछे का आना है ये जो लुक आएगा वो मतलब इसको जो क्या बोलते हैं पल्लू बोलते हैं दोनों, तो ये होगा ये या इस साइड में ये ऐसे आएगा, मतलब कुछ गर्ल्स मैं आपको बता देती हूँ यार मुझे इतना अच्छे से भी नहीं आता पर जो भी है ये ऐसे आना, तो इतना बुरा भी नहीं है। मैं इसको एक बार ट्राई करूँगी, आप लोगों को शेयर जरूर करूँगी इस वीडियो को, मतलब मेकअप करूँगी जब भी तो साड़ी को वेयर ज़रूर करूँगी, पर मुझे इसके ना ब्लाउज देखना पड़ेगा। तो ये आएगा वैसे पूरी ऑल ओवर ये ऐसी है इसी टाइप में साड़ी, बट ये पुरानी है मैं ये रियल बता रही हूँ, ठीक है। तो ये इस टाइप में साड़ी है बट ये बहुत हल्की फुल्की साड़ी है, तो यार यार गर्ल्स पहन सकती हैं। एक फर्स्ट तो ये है, सेकेंड इस टाइप में ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगी थी, ठीक है। ये भी मेरी मदर की है, मैं बहुत इसको ना मेरी मम्मी ने बहुत साल पहले खरीदा था, मतलब बहुत साल पहले क्या आपसे शायद 30 साल पहले की साड़ी है ये, मुझे जहाँ तक मुझे बताया गया है शायद मेरे मामा की शादी थी तब मेरी मदर ने खरीदी थी एंड इसको स्टिच ही नहीं कराया, खरीद तो ली तब
उस टाइम पे ना वो साड़ी मतलब ये वाली साड़ी 2000 की खरीदी थी सुदेशी वाले से, हमारे अलीगढ़ में है, काफ़ी कॉस्टली है। तो इसको बोलते हैं पटोला साड़ी टाइप, नाम है इसका पटोला। तो ये साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगी, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। देखिए इसका ब्लाउज भी स्टिच नहीं हुआ है, ये एज इट इज़ ऐसी की ऐसी है। फॉल तो लगी हुई है इसमें, देखिए फॉल तो लगी है, बट न्यू की न्यू ही फॉल है। वो ये बोल रही थी कि एक बार भी मैं नहीं पहन पाई इस साड़ी को, बिल्कुल न्यू की न्यू है। तो मैंने सोचा कि जब मेरी माता श्री ने नहीं पहनी तो देखिए ये रहा इसका ब्लाउज, यही है ना, नहीं ब्लाउज नहीं है पता नहीं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा यार, इसमें से ब्लाउज है पता नहीं, आई डोंट नो 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 नो, बट ये बहुत क्यूट लग रहा है मुझे जो भी है ये पटोला। इस बार मैं एक बार ट्राई करती हूँ, वेट में भी आई। तो गाइज ये इस टाइप में मुझे मतलब थोड़ा सा मैंने जो बांधा है, मुझे वैसे तो और टाइम लगता है बांधने में, बट ये स्टाइल ऐसे आ रहा है, बहुत लुक वाइज बहुत प्यारी है ये। मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ, हाँ लुक वाइज तो बहुत मुझे अच्छी लग रही है, मुझे सच में सीरियसली बहुत अच्छी लगी। आप लोग मुझे बताइएगा, मुझे मैंने अच्छे से पूरा नहीं बांधा क्योंकि वो नीचे से खुल रही है, बट मुझे ऐसा बहुत प्यारी लग रही है यार मेरा पल्लू। तो ये लुक वाइज बहुत अमेजिंग लग रही है, आप लोग बताना कि कमेंट में कैसी लग रही है आपको, ठीक है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और आजकल इस टाइप में चल भी नहीं है जहाँ तक मुझे पता है, और आई डोंट नो। एंड ये एक न्यू साड़ी है, बिल्कुल न्यू ये मंगाई है मैंने, क्योंकि मुझे इसको देखते ही बहुत ज़्यादा प्यारी लगी थी। देखिए बिल्कुल सिल्क में है एंड बिल्कुल न्यू है ये। अब इसमें क्या है, सिल्वर सिल्वर का ना वो जो आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसको धागा, उससे इसमें कढ़ाई है। देखिए बहुत छोटी छोटी बूटियाँ टाइप बनी हुई है, यानी कि बहुत सिल्क है, बहुत प्यारा मुझे लगा। एंड इसका क्लोथ भी बहुत अच्छा है, अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ पूरा, ठीक है, पूरा खोल के दिखाती हूँ। ये इस टाइप में पूरा, और इसका पूरा खोल देते हैं, और इसका क्या है समथिंग ब्लाउज, मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से ब्लाउज कट होगा, मुझे नहीं पता, शायद ब्लाउज का शायद ये है, ब्लाउज का देखिए ये रहा कपड़ा इसमें दे रखा है, पूरा ब्लाउज का इतना दे रखा है, ठीक है, ये अंदर पूरा बॉर्डर है और ये ब्लाउज का कपड़ा है इतना, ये 1 मीटर शायद होगा समथिंग, ये पूरा 1 मीटर है, ठीक है, इससे तो मेरा ब्लाउज सिल जाएगा। एंड ये है, तो ये पैटर्न मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, जो पैटर्न है आप लोग उड़ रहा है यार हवा के मारे, जो पूरा पैटर्न है ना ये बहुत अमेजिंग लग रहा है, जो मतलब ऐसे आने वाला है मेरा, ऐसे जो आएगा ना तो बहुत बांधना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। जो ये पीछे का आएगा ना मेरा ये पैटर्न जो आने वाला है ये बहुत अमेजिंग लगने वाला है, मुझे कलर भी इसका बहुत अच्छा था, मुझे मैंने मंगाया, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ये, इस टाइप में है, और ये ज़रूर मैं लेके जाऊँगी अपनी, जब मेरी शादी होगी ज़रूर मैं ये लेके जाऊँगी, मुझे ये शायद ना उल्टी बांधी है, ये सी उल्टी आएगा ये सेगमेंट, ये आई लाइक इट।
ये जो आएगा ना पैटर्न, ये स्टाइल में आ, ये ऐसे, ये जब ये लटकेगा ना ये मेरा ये सब, तो मज़ा ही आ जाएगा। और ये बनाने वाले ने भी बहुत अच्छा साड़ी बनाई है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मुझे नहीं आती है इतना, तो ये जब बन पाओ साड़ी तो बहुत अच्छे से बांधने वाले बहुत अच्छे बांधते हैं, जिन्हें मतलब होता है। ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, परफेक्ट, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। आप मुझे बताइएगा, वैसे हम इसके ना वैसे साड़ी देंगे तो हम इसका सूट भी बनवा सकते हैं, तो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो बता दूँ, लंबी साड़ी होती है यार, हाँ, तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और मुझे खूब सारा प्यार दें और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।